मेरे लड़के ने इस्लाम धर्म अपनाया है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? बहन का सवाल है कि वो हिंदू धर्म में मानती है, तो बच्चे लोग कौन से धर्म में मानेंगे? आपने आप हिंद ने इस्लाम धर्म से शादी कर ली है। आपके बेटे ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अपना लिया है, तो आपका सवाल क्या है अभी? तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो कौन से बच्चे, उसके बच्चे या आपके बच्चे? मेरे बच्चे, उसके बच्चे। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो मुस्लिम हो गया है, शादी कर ली है, इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, उसके बच्चे क्या धर्म मानेंगे? सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हो या ईसाई के घर में या यहूदी के घर में, जब बच्चा पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो मुस्लिम जैसा पैदा होता है। मुस्लिम के मानी, जैसे मैंने कहा है, मुस्लिम के मानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी सारी ख्वाहिश अल्लाह के मुताबिक है। तो हर बच्चा जब पैदा होता है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे यहूद के घर में पैदा, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, वो मुस्लिम होता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते कि अपने वालदैन के ज़रिए, अपने टीचर के ज़रिए, अपने दोस्तों के ज़रिए हो सकता है वो शिर्क करने लगे, वो आग की इबादत करने लगे, उस वक्त वो गैर मुस्लिम होता है। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, कन्वर्ट कहना गलत लफ्ज़ है, कन्वर्ट मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके जाना, सही लफ्ज है रिवर्ट, रिवर्ट मतलब वो असल में मुसलमान था, फिर गैर मुस्लिम बना, फिर से मुसलमान बना। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर चुका है, शादी कर चुका है, बच्चा क्या है? बच्चा मुस्लिम होगा, वो अलग बात है। अगर उस बच्चे पे कोई दबाव है या कोई गलत हिदायत दी जाएंगी, हो सकता है वो बुतपरस्ती करने लगे, हो सकता है वो आग की इबादत करने लगे, फिर वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम होगा। हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करता है, उसके बाद बड़े होने के बाद दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद वो गलत रास्ते पे जा सकता है, लेकिन हर बच्चा पैदा होता है मुस्लिम जैसा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 में अगर कोई खातून हूँ गैर मुस्लिम तो सवाल करें, नहीं तो माइक नंबर 1 में एक